हेलो वालेकुम मैं हूं एजाज़ सईद प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए टॉक शॉक के आज के प्रोग्राम की खास बात यह है कि हम मुल्तान के नवा में मखदूम रशीद एक इलाका है वहां पर बैठे हैं और मखदूम रशीद इसलिए मरूफ है कि यहां पर मुमताज़ सियासतदान जावेद हाशमी रहते हैं उनकी रिहाइश गाह यहाँ पर मौजूद है और अपना जो सियासी सफ़र है उन्होंने जो किया है पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से दिलचस्पी रखते हैं वो जावेद हाशमी साहब को जानते हैं मजामत की सियासत की एक अलामत है तो आइए मखदूम जावेद हाशमी साहब से बात करते हैं हाशमी साहब बहुत शुक्रिया आपका हाशमी साहब एलेक्शन हो रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि आप पाकिस्तान तरीक़ानसाफ़ की सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन uh, कैसे हो रहे हैं वैसे देखिए जो मैंने तो इलेक्शन देखे हैं जो उन्नीस सौ पैंसठ से हर के अंदर आ, मैं भी देखता रहा हूँ तो बारह तेरह साल की उम्र से धांधली उस वक्त भी होती थी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के अंदर धांधली होती थी बल्कि मैंने जो तो पहला वोट जो दिया वो मेरे दोस्तों के कहने के जाली वोट दिया अच्छा पहला वोट जाली दिया अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात या। तो यार यहाँ धांधली तो रुकी नहीं है लेकिन ये इस मरतबा जो है ये इंतखात लगता है कि जैसे मीनिंग लेस हो जाए जिसका रिकॉर्ड पे आएगा कि इलेक्शन हुए भी थे और नहीं भी हुए थे क्योंकि यहाँ एक कंट्रोल्ड इलेक्शन होते हैं तो फिर भी थोड़ी सी किसी को रास्ता या बात करने का मौका देते हैं मैं तहरीक इंसाफ़ की बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा वो जो आ, मेरा एक अपना स्टांस रहा है क्योंकि जो जहाँ बिल्कुल मैं देखता हूँ कि ये ज्यादती हो रही है मेरी हमदर्दी ज़रूर होती है उससे और वो थोड़ा सा पार्टी की लाइन से भी बाहर मैं निकल जाता हूँ जिसकी वजह से ये पसंद भी नहीं किया जाता उन पार्टियों को बल्कि वो तमाम पार्टियाँ मुझे कभी गाली दे रही होती हैं कभी तारीफ़ कर रही होती हैं मैंने तो कोई गेन नहीं किया होता उससे मैं इस इलेक्शन को अगर आप आ, देखें कि कैसे या तो कोई किसी को यानी एक फ्री हैंड मिला हुआ हो वो सिर्फ मिला हुआ है मुस्लिम लीग को पंजाब में कोई और पार्टी है ही नहीं कैंपेन या बिलावल भुट्टो साहब कहीं कर रहे हैं तो कहीं पे बाकी जो जलसे हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब और मरियम साहबा और हमजा साहब कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून तो आपकी अपनी जमात है ना? बिल्कुल है मैं, मैं बिल्कुल है मैं मुस्लिम लीग के को मेरी आबाजाद की भी है मगर मैं मेरे अब अबाव अजदाद की इलेक्शन होते थे चौसठ पैंसठ में तो वो लिस्टें जो कब्रिस्तानों में मरे लोग लो भी हैं वो भी वोट भुगता देते थे तो ये मुस्लिम लीग को को अपने आप को इन आलाइशों से पाक नहीं रख सकी इस वजह से उसको लाजमन कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और कंप्रोमाइज़ के बाद उसकी पॉलिटिक्स जो है उससे शख्सियात को तो पैदा हो जाता है लेकिन मुल्क को पैदा नहीं होता तो अभी आप क्या समझेंगे नवाज शरीफ साहब ने डील कर ली है और नवाज शरीफ साहब की डील ये है कि वो अपने भाई को और पर्टिकुलरली अपनी बेटी मरीम नवाज को वो आगे लेके आएँ और इसके बदले में वो वो वाला बयानिया इस्तेमाल करें या वो, वो वाला बयानियाँ अपनाएँ जो कि इस्टाब्लिशमेंट के, के हक हाँ का बयानिया है जो सिविल सुप्रीमेसी पर यकीन नहीं रखता क्या ये डील है देखिए हम तो मिया नवाज शरीफ के साथ उन्होंने भी स्टैंड लिया लम्बी के भी की लेकिन जब वो जंग कर रहे होते हैं तो हम अडियाला जेल में बैठे होते हैं छः छः साल बैठे रहते हैं लेकिन फिर वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं उसमें जो वक्ती ज़रूरतें तो उनकी पैदा हो जाती हैं अब फिर उन्होंने हमें कहा कि वोट को इज्जत दो मेरे तो सारी यहाँ पे जो एक हल्का सा मैंने अपना मुआशी ढांचे के लिए चीज़ें खड़ी की थी वो उसको आके उन्होंने गिरा दिया इमरान साहब का दौर दौर था लेकिन मुझे उसकी भी परवाह नहीं थी लेकिन जब मेरा लीडर उनसे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो फिर मैं उसके साथ कैसे खड़ा हूँ उसका जो पहले स्टैंड था उस पर मैं कैम रहूँगा मियान आशी साहब ने बिल्कुल अब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है और वो अपने उन इश्यूज़ को उन लोगों को जिनकी बातें वो क्या करते थे वो अब आप नहीं करेंगे तो नवाज़ शरीफ अगर कंप्रोमाइज़ ना करते तो क्या दूसरा रास्ता क्या था एक तो देखें ना इमरान खान साहब की इस्टबलिशमेंट के साथ वन पेज था जिसके विटनेस आप भी हैं और अगर नवाज़ शरीफ कंप्रोमाइज़ ना करते तो क्या मुस्तबिल क्या होता वो वो रास्ता ये अख्तियार करते कि जैसे मैं आप कहता हूँ आज भी, भी करना चाहें वो डिमांड करें कि इमरान खान को रिहा करें हम उसको समझेंगे कि आपके आ, इवन आ, प्लेंग फील्ड जो है मिल जाती है उससे जो ही आप किसी को रिहा कराएंगे ये पहली दफ़ा नहीं होगा शेख मुजीब को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाने के लिए सब पार्टियों ने अयूब खान का बायाट कर दिया था उनका उसको रिहा करो और ये सियासतदान जमहूरी पार्टियों का काम ये होता है कि वो अपने मुखालिफ को जेल में रख के इलेक्शन नहीं लड़ते वो पे पे कहते हैं जमहूरियत तो, तो सब बाहर होगी जब उसको भी इजाज़त होगी वो ये रास्ता नहीं अख्तियार कर ये उसमें बल्कि जेन में ये होता है कि इसने हमारे साथ की थी इसे हमें जेल में डाला था इसे हमारे ऐसे निकलवाए थे अब हम उसके साथ क्यों करें जो हमसे बात भी नहीं करना चाहता लेकिन इसका जिम्मेदारी बड़े डेमोक्रेट के ऊपर ये होता है कि वो खड़ा होकर कहें कि आप इसको खुला मैदान दें और हमें फिर उसमें उसको भी रास्ता नहीं मिलता ले, ले, आज, आज इमरान खान को ये रिहा करा देंगे तो वो उतना पॉपुलर नहीं रहेगा रहे जितना आ है लेकिन नवाज शरीफ तो बार बार इमरान ख़ान की तरफ हाथ बढ़ाते रहे ये तो इमरान खान ही है जो नवाज शरीफ उनके पास चल के भी गए लेकिन इमरान ख़ान उनको बुरा भला कहता रहा तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर नवाज शरीफ ये डिमांड करें और फ़र्ज़ करें फ़र्ज़ करें आ, वो डिमांड पर अमल दरामद भी हो जाए तो इस बात की गारंटी क्या है कि इमरान खान बाहर निकल कर दोबारा नवाज शरीफ को गाली देंगे मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि इमरान खान ख़ान का वो रवैया कोई सही नहीं था अभी रिहा करेंगे तो वो जो वेस्ट कम वर्स के वो वही होगा लेकिन उस दिन से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा जितनी पॉपुलैरिटी है दूसरे दिन आप लिख लेंगे मुझसे कि उसका वजूद भी नज़र नहीं आएगा ये सियासत नहीं करते हमारे लोग हमारे जो है लोग जो हैं किसी के कहने पे वो एक ही जो लाइन पकड़ी होती है चलते जाते हैं तो ये कहें कि इमरान खान को वो बहुत बड़ा इस मुल्क का डेमोक्रेट है नहीं है अगर उस ये लेकिन एक हकीकत है कि उसकी पॉपुलरिटी जो है वो इस वक्त बिल्कुल आसमान तक जा रही है मखदूम साहब पॉपैरिटी होना और दुरुस्त होना दो डिफरेंट बातें हैं ना कर रहा हूँ देखिए मैं ये तो डिस्कस कर ही नहीं रहा कि इमरान खान जो है वो बहुत बड़ा इस इस मुल्क का जो है मैं भी ये कहता हूँ वो मैं मैं उस फील्ड में जाना ही नहीं चाहता मैं कहता हूँ ये क्या करें अगर दूसरे लोगों को सियासत में फंसाने की भी ये बात करेंगे हत्या कि इस्टेब्लिशमेंट भी उसके अंदर फंस जाएगी और रस, हीरो जो है यही नवाज शरीफ होंगे ये उसकी बजाय दूसरी तरीके से रस्सा अख्तियार करते हैं कि वो की ये करेगा वो उसने तो करना है ये ये बताइए कि जब से आप पार्टी में वापस आए हैं तो नवाज शरीफ साहब से शबाज शरीफ साहब से कोई मुशावरत कोई मुलाकातें कोई गपशप हुई हुई है कई कई मरतबा हुई है मिया साहब जब या फिर तो बाहर चले गए वरना तीन चार दफ़ा हुई हैं अलग भी मुलाकातें हुई हैं तो उसमें शबाशी बोल के एक दिन कहने लगे सब लोगों जो जो नहीं कहते सब लोगों के सामने कहने लगे कि मखदूम साहब अगर आप वो प्रेस कंफ्रेंस कर ना करते तो हमारे इकतदार रह गया दो दिन बल्कि एक दिन वो तीन साल एक जो हुकूमत है वो आपने सिर्फ आपने दिलाई है तो मैं हमारे तो चित मैं मुलाकात भी होती है लेकिन उनकी अपनी जब जब वो उस मौक़ से बहुत पीछे हट जाए ये कौन से तीन साल वाली बात कर रहे हैं सुबाषरीफ ये ये जो मैंने इमरान से अलग हुआ था आ, आ, और मैंने उस धरने से बाहर आया था उसकी आ, Uh, पर, पर, पर अच्छा, only you. तो आप, जो आपने दिया है इकतदार तीन साल का आपने दिया हमें अच्छा हाशमी साहब ये बताएं कि इलेक्शन ज़रा हो रहे हैं इलेक्शन में पैंतालीस सीटें हैं जनूबी पंजाब की पैंतालीस सीटों में आप क्या समझते हैं कि कितनी सीटें नून लीग को मिलेंगी कितनी पीटीआई को मिलेंगी कितनी पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी को मिलेगी देखिए बात ये है कि अगर फ्री और फेयर इलेक्शन हो तो फिर तो मैंने अभी कहा है कि इमरान खान इस वक्त आसमान को छू रही है उसके आप चाहते हैं किसी से आदमी से पूछें कि किसको वोट देगा वो आपको कहेगा इमरान खान कहीं गाड़ी रोक दीजिए कहीं तो इस उसमें तो कोई सीट बज़ाह किसी और की नहीं है लेकिन जिस तरह इलेक्शन हो रहे हैं इसमें तहरीक इंसाफ की सीट मुझे नज़र नहीं आती और जो मुस्लिम लीग है वो उनके और फिर आ, जो उनके अलाइड पार्टी हैं जो बनवाई गई हैं और उनके साथ उनकी मामलत तय किए जैसे ये आई क्या है वो दूसरी नई पार्टी इस पार्टी तो ये फिर उसके अंदर जो, जो जितनी चाहेंगे वो वो मिलेगी अवाम जितनी चाहेंगे वो तो रिजल्ट भी नहीं है ना वो रिज़ल्ट नहीं है तो इसका रिज़ल्ट उसको मैं बताऊं कि इसको इतनी मिलेगी इतनी वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है जो कि मैं सीन देख रहा हूं कि के हिसाब को एक भी नहीं मिलेगी और फिर कितनी किसके अंदर बांटी जानी है जिन्होंने दे देनी है वो बांट लेंगे ये ले लेंगे अशमी साहब इलेक्शन तो हो जाएंगे और जो आपने बात बताई तकरीबन ऐसे ही होता होने जा रहा है तो इलेक्शन के नतज के बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी आप क्या समझते हैं कि मसला हल हो जाएगा क्राइसिस पाकिस्तान का ख़त्म हो जाएगा ये कंटिन्यू करेगा एजाज मैं जो एजाज एजाज सैयद मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल उसको एक सॉलिड बात पे है क्या हमने बाईक कर दिया सेवेंटी सेवन इलेक्शन का वोटो साहब के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली के इलेक्शन हो गए और सूबाई इसम्बली का हमने बाईकॉट कर दिया मैं कैंडिडेट था लाहौर से तो उसमें मैं तहरीक इसे एयर मार्शल अजहर खान का मैं कैंडिडेट था तो उसमें जब हमने बाइकॉट किया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ जो आज आप बात कर रहे हैं कि वो उसी में एक तहरीक चली लोगों ने वो रिजल्ट भी कबूल नहीं किए जो नई गवर्नमेंट बनाई भुट्टो साहब के उसको कबूल नहीं किया और छः सात महीने के बाद उनकी गवर्नमेंट भी चली गई भुट्टो साहब जेल में भी चले गए उनकी जान भी चली गई तो उसके बाद पाकिस्तान तो वो पाकिस्तान रहा नहीं है जावल अक साहब का दौर था अब उनके अच्छाइयाँ भी होंगी बुराइयाँ भी होंगी लेकिन एक रूलर जिसको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया उसकी अपनी दुनिया है अच्छी है या बुरी जो पाकिस्तान की दुनिया थी वो भुट्टो के साथ थी भुट्टो का ने यह गलती की कि उसने उनको तंग आके हम सब ने बाईकॉट किया तो उसका नतीजा ये निकला आज के हालात भी बिल्कुल वैसे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि इस बात का ज़्यादा इम्कान हो जाएगा कि जो इंतबात के बाद जो गवर्नमेंट आए वो लंबा देर सर्वाइव ना करे और फिर मुल्क में दोबारा मार्शल ला लग जितनी भी गवर्नमेंट्स गई हैं जब वो पब्लिक के वोट से नहीं आती उसको निकालना आसान भी हो जाता है जो तो ले आते हैं वो ले भी जाते हैं यही मैंने इमरान ख़ान को वहाँ कहा धरने में कि इनके जो तुम कैसे हो मुझे ले आना चाह रहे हैं फिर ये ले भी जाएंगे फिर वहाँ तक ले जाएंगे कि आप जेल में बैठे होंगे और आपकी बात कोई नहीं सुनेगा आपके वर्कर 20 साल तक गलियों में धक्के खाते फिरेंगे इसलिए आप उनकी विशाखियों पे इकदार ना लें आप इलेक्शन लड़के अच्छी सीटें आपको मिल जाएंगी सत्तर अस्सी सीटें मिल जाएंगी इतनी बड़ी अपोजिशन का फिर सामना मुश्किल होगा उनके लिए लेकिन इमरान खान को जल्दी थी तो उन्होंने अब मुझे कहा कि फिर आपकी आप, की आप चले जाएं मैंने कहा ठीक है मैं चले जाता हूं बात यह है कि ये गवर्नमेंट जो है जो बनेगी वो कैम नहीं रह सकती कोई गवर्नमेंट भी नहीं रही पहले जितना और जितनी ज़्यादा बड़ी ता इस तरह मजबूरी के अंदर एक इंतबाब का मरला पैदा किया जा रहा है उतनी ही जल्दी ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी मियाँ वो कोई वजी अजमे उसके जब पाँव ही नहीं है ज़मीन पर वो कैसे चलेगी और एस्टेब्लिशमेंट कब तक उनको बर्दाश्त करती रहेगी या वो इस्टबलिशमेंट को बर्दाश्त करेंगे हाशमी साहब इस वक्त जब मैं आपके घर पर आया हूँ तो आपके घर के बाहर पुलिस खड़ी है पूरे गांव में एक खौफ व हरास की जो है कैफियत है मैंने किसी से रास्ता पूछने की कोशिश की तो वो भी खौफजदा था अभी मैं और आप जब गुफ्तू कर रहे हैं तो बाहर हुटर सायरन बजा रहे हैं खौफ पैदा करें ये इस बात की लामत है कि आप आज भी रजिस्ट कर रहे हैं बावजूद उसके क्या मुस्लिम लीग नून के हैं उसके बावजूद और हमने देखा कि इमरान ख़ान साहब के दौर में भी आपने रेजिस्टेंस की आपका बड़ा बड़ा नुकसान किया गया तबाह तबाही की गई फिर उससे पीछे चले जाएं तो फिर आप रजिस्ट करते हुए मिया न वाश्रफ साहब को आपने छोड़ दिया रजिस्टेंस ही थी फिर उससे पीछे चले जाएं पीपल्स पार्टी का दौर और फिर उससे पीछे मुशरफ साहब के दौर में मैं और आप ने बड़ा अच्छा बुरा वक्त भी इकट्ठे देखा तो ये ये बेसिकली आप एक कंसिस्टेंट हैं जो नज़र आता है कंसिस्टेंट क्या है कि आप एक मसलसल रोल प्ले कर रहे हैं कि इस्टाब्लिशमेंट का रोल ख़त्म हो सियासतदान आगे आए ये आप आज उम्र के जिस हिस्से में आपको क्या लगता है कि ये ये मसला हल होगा कभी इस्टाब्लिशमेंट पीछे जाएगी कभी सियासतदान वाकई ऊपर आएंगे? आएँगे सै सर मैं आपको करूं। मेरे साथ जब मैं अभी स्कूल गोइंग था वो एक काला बाग ने कोई आर्डिनेंस जारी कर दिया यूनिवर्सिटी ऑर्डिनन्स उसमें हम स्कूल से ऐसे कुछ ने कहा हम जुलूस ले के लिए निकले उन्होंने हमें पकड़ के जब मेरी बारह तेरह साल उम्र थी मैं इस गांव के थाने में बंद कर दिया गया फिर फौरी बाद वहाँ हो रहा था मोहतरम में, में माधर मिलत के इंतख्या हो रहे थे उसके अंदर जो ज़्यादतियाँ हो रही भाई एक नौजवान को क्या मुसीबत पड़ी हुई है लेकिन मेरी मैं किताब पढ़ बैठा किताब वो जब कायद अजम को वहाँ ज्यारत में रखा गया तो उनके कर्नल इराहिब बख्श ने एक किताब लिखी थी लास्ट डेज ऑफ कायद अजम तो वो उसमें पढ़ने के बाद मैं हैरान हो गया वो तो एक, एक लिहाज से जो कैद को अगवा अगवा करके ऐसी जगह पर रखा गया जहाँ सेहत इलाज की बजाय एक मारने का जैसे मनसूबा हो पर ज़्यादा जो है आज तक कोई वहाँ कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल आस, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर और उनको बल्कि वहाँ से वो कहते थे ऑक्सीजन लेने के लिए Uh, कोयटा ले जाना पड़ता था फिर वापस आना चाहता, पड़ता था तो वो जब कैद आजम का लिखा कि उन्हों उन्होंने चूँकि इख्तलाफ किया और इस्टेबलिशमेंट uh, को भी कहा कि यू आर सर्वेंट्स ऑफ दीपल और उसमें उसके वो मेरे uh, जेन में वो चीज़ें चलती गई उस वक्त से आइए रस्से में ऐब खान के खिलाफ हम जंग लड़े फिर जब अयूब खान को उतार दिया गया तो मैं उनसे तीन घंटे मुलाकात मुला की लंबी मुलाकात है उसके अंदर मैं क्या जाऊँगा अब उससे बात जो है उसने तो कहा कि बंग ये बनाना था हमने उनको उनको निकाल दिया है निकल जाएंगे दो तीन महीने में तो फिर उसके बाद इस पाकिस्तान तो ना रहा हमारे साथ लेकिन मैं अयूब खान के बाद आ गया भुट्टो साहब हम भुट्टो साहब के साथ खड़े हो गए जंग लड़ी जेल में गए भुट्टो साहब के लिए लेकिन भुट्टो साहब का किरदार आया तो उन्होंने भी इंतहा कर दी जो ज्यादती की वो उन्होंने अपनी और को अपनी पार्टी को भी उन्होंने वहाँ वो कैंप ले कैंप में था कोला के पास क्या कैंप था मशहूर हाँ जी कौन सर? आ, थे ना और कोई नाम उसमें रख दिया जहाँ सुप्रीम कोर्ट की पहुँच नहीं थी वहाँ पे अदालत ही नहीं थी ये जो अमेरिका का जो बनाया ना क्यूबा ये तो बाद में उनको तो ये फिर मैं भुटो बुट, के खिलाफ जब हमने उसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफें भी पहुँचाई फिजिकल जो ज़्यादा वो उस भुटो साहब के ए, दौर में तो उसके बाद फिर फिर जिस मैं कैबिनेट में चला गया एक साल में रहा और वो भी उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कराना है फिर मैंने इस्तीफ़ा दिया खुल के कहा कि मैं आपके साथ नहीं चल सका उस दिन के बाद मैं खैर खे, कोई मिलिट्री गवर्नमेंट की या मिलिट्री सपोर्टेड गवर्नमेंट के उस तरीके से नहीं किया हम चल चलते रहे थे लेकिन जितने इंतबात हुए हैं लेकिन लेकिन इस दौरान दु, इस जो असगर खान केस था वो भी तो आया उसमें भी तो आपका नाम था नहीं मेर, मेरा नाम नहीं है अब ये अजीब बात है कि आपके भी में है पर तफसील से आप जानते हैं या तो मेरा नाम या जब दुरानी ने लिस्ट बनाई ग्यारह लोगों के नाम थे मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी है दूसरों के भी है आ, कुछ लोगों ने तस्लीम भी कर लिया मेरा नाम नहीं दिया जनरल दुरानी ने भी उस लिस्ट में नहीं दिया आपकी सियासी लाइट थी बड़ी करीबी आपदा हुसैन साहब उनका नाम भी उनका नाम भी उनका मैं तो कह रहा हूँ उनकी भी थी आबदा हुसैन ने माना और उन्हें पैसे भर भी दिए तो मैं मेरे बारे में यही तो मैं कहता था मैंने आके निसार ने बुलाया तो मैंने कहा मुझे बुलाया क्यों है आपकी ज़रूरत कैसे हुई है शायद आप वहाँ थे उसमें मैंने कहा आप, आप मेरे हाथ चूमते हैं और जब आप, आप आ, मुझे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी बुला लेते हैं तो नहीं मैं तो नहीं बुलाया तो ये बशीर थे आ, बशीर वेमन थे। वेमन, मैंने कहा इन्होंने बुलाया क्यों बुलाया उसने उनको झाड़ बुलाई फिर क्यों बुलाया तो वो मेरा वकील बन गया सर एनी हो लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है फिर मुशरफ साहब के दौर में आपने जेल काटी गद्दारी का मुकदमा हुआ जिसमें आपको पता है नहीं पहले ज्यादा के दौर में भी मेरे तमाम रिश्तेदारों को पकड़ा गया इस शहर का गांव का गिराव कर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ उस दिन मिलिट्री गिराव कर रही थी शमी मालम थे कोर कमांडर तो वो तो वहीं से शुरू हो गया तो तो ये ये जितनी भी आपकी जद्दोजहद है मुझे बताएं नतीजा तो कुछ नहीं निकला नतीजा तो पाकिस्तान पहले से भी ज़्यादा पीछे चला देखिए ये कोई नतीजा आप ये लिखा के चाहेंगे कि मैंने चेंज या इनकलाब ले आना है नहीं वो तो मैं मेरी इतनी हैसियत भी नहीं ना मैंने कोई बहुत बड़ी पार्टी बना ली और उसके लिए मेरे वसाइल वगैरह हूँ मैं तो आपकी जो एक वो समझता था मैं इस फौज को आज भी मुक़दसतारा कहता हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी ज़्यादा ये मुलविस होते गए हैं उस वक्त उतनी ज़्यादा लोग अब मुकदस सतारा नहीं समझते वो कितने लोग कहेंगे लेकिन कहने का मतलब है कि जो नतीजा है कि पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी का कभी सूरज निकलेगा देखिए ख्वाब दे, ख्वाब देखने से तो मन नहीं कर सकते ख्वाब तो देखते रहें कभी हो भी हो सकता है और कोशिश भी करते रहें जो जितनी आपकी है लेकिन अभी बहुत दूर है और जो यहाँ पे क्यों इतना अच्छा दिन निकले जहाँ सिविल गवर्नमेंट को अपने फैसले करने का अख्तियार हो यहाँ तो सिविल गवर्नमेंट भी जो होती है वो सेमी मिलिट्री गवर्नमेंट होती है हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हाशमी साहब से हमने गुफ्तु की हाशमी साहब ने हमें तफसी से बताया कि जो उम्मीद है उन्हें वो शायद नहीं है बल्कि वो कहते हैं कि कोशिश अपनी जारी रखें ताकि मुल्क में आवाम की हुक्मरानी आ सके और सही हु आ सके एजाज सईद को इजाजत दीजिए प्रोग्राम पसंद आए तो उस पर ज़रूर कमेंट दीजिए और अगर आपने कोई मालूम देनी है या किसी बंदे को सजेस्ट करना है जिसे हम इंटरव्यू कर सकें तो टॉक शॉक ट्रिपल सेवन एट जी मेल डॉट पर हमसे रापता कीजिए